सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रेणी की, आप लोग देख रहे हैं श्रेणी की ब्लॉग्स। आज धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी है बस, बहुत ही थोड़ी थोड़ी। कल मैंने शूज़ धुलने रखे थे, वो अभी तक गीले ही पड़े हुए। मुझे आज बाहर जाना था, मेरे पास बेस्ट पेयर यही है बस। गरीबी इसे कहते हैं भाई, गरीबी स्टूडेंट लाइफ की। और ये भी गीले ही है भाई, दिक्कत हो रखी है। ये आज का क्या सीन है भाई, आज का ये सीन है कि कुछ टाइम पहले लाइक मेरे एक ब्लॉग में किसी का कमेंट आया था करके कि कुछ उन्हें ब्रांड का छोटा सा शूट करना है, ईमेल वगैरह पे। फिर मैंने बात करी तो वो एक बंदी है, तो वो एक बंदी है और वो अपना जो है बुटीक खुलने जा रही है दिल्ली में। फिर वो मिलने आ रही है मुझसे अभी, मैं फटाफट जिम जा रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने उनसे मिलने जाना है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं पहली बार व्लॉग में पहली बार कोई ऐसी लड़की आएगी, सो आज मैं उसके बाद मतलब हमने इंस्टा एंड उसके बाद फिर व्हाट्सएप पर बातचीत करनी स्टार्ट कर दी थी वर्क रिलेटेड, एंड जस्ट टू बी लाइक कि हाँ कौन कहाँ से क्या है, थोड़ा एक दूसरे को जानने के लिए। एंड हम जाएंगे शायद से मैगी पॉइंट, बिकॉज देखते हैं अगर मौसम थोड़ा साथ रहे तो मीटिंग करनी है। मे बी शायद ऐसा कुछ होगा कि मेरे को फिर दिल्ली जाना पड़े कुछ टाइम के लिए शूट करने के लिए, जो भी होगा आई डोंट नो। आप लोगों को आगे देखते रहो भाई व्लॉग। पहले चलते हैं जिम, ब्रेकफास्ट करके सीधे जिम में मिलेंगे, एंड उसके बाद जिम में वर्कआउट करके सीधा मिलेंगे। कैसे हो गया बढ़िया? कैसे हो गया? ये चप्पलों में शिफ्ट हो गया है। चप्पलों में क्रॉक्स पहले लाए, चप्पल स्लाइडर्स वो चल रही है, तारे बहुत हवाई बच्चों में है। रिलैक्स हो भाई, आज चेस्ट का वर्कआउट है, फटाफट से करते हैं, हमें तो निकलना है भाई। और कितनी मारेगा बुक्की भाई? आप एक नंबर बताओ, उतना ही मारेगा अभी। कल मार 20 मार, 10 मार, 10 मार, 10 मार, 10 चल, 10 तो मार ही देगा। सेम वेट लगा है क्या? हाँ सेम है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा ऐसे एक चुच्ची बड़ी करवा दो, लटक जाएगी। वैसे ही हो तो रखिए थोड़ी थोड़ी। अबे काम कर रहा, इसे 12 मान लेते, इसे 10। हाँ बात एक ही होती, घंटा होती बात एक। भैया थोड़ा 5 की प्लेट ले लूं? मार रहा हूँ मैं भी, फटाफट उठा रहा हूँ। मैं बैठूंगा इसके ऊपर, दस थे, 10 4 ही हुए, 10 मारने 4 ही हुए। तो इसमें निकल रहा हूँ, एंड लेट्स सी, मैं कभी पहले ऐसे मिला नहीं, पिंपल भी हो रखा है मेरे यहाँ पे। सो मैं कभी नहीं मिला वैसे, और मेरे व्लॉग में कभी ऐसे आई भी नहीं कोई लड़की। सो लेट्स सी, वर्क रिलेटेड है वैसे भी, क्या होता है। चलते, कॉल करता हूँ उनको, पटेल नगर जाना है मैं उन्हें लेने। सो मैं अभी पटेल नगर में हूँ भाई, और मैं वेट कर रहा हूँ, पता नहीं जहीं से आएगी। काफ़ी सीन हो रहा है भाई, अब पता नहीं क्या होगा यार। आज का तो प्लान कैंसिल होने वाला था बिकॉज बारिश हो रही थी, एंड बट वो इतने दूर से आई, वो एक्चुअली दिल्ली से आई है, तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। सो हम पहुंच गए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसका नाम, अभी कैमरा कॉन्शियस तो नहीं? मुझे नहीं आना है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी मैगी पॉइंट में आ रखे यार, हाय तो बोलते ही दूर से। हाय। अभी ये हाथ तो यार पता नहीं कहाँ पे हो, यहाँ होना नहीं देख का पूछता हूँ। क्या खाओगे? मैं तो कुछ भी खा लूंगा यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है, नाम है चीजों का।
कुछ भी मैं रैंडम कुछ भी मैगी मैगी पॉइंट है तो डू यू लाइक मैगी अरे मैं तो कुछ भी खा लेता पराठा तो आई हेट पराठा अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है सब लोग मुझे ऐसे अजीब सोचते हैं जब मैं बोलती हूँ कि मैं नॉर्थ में रहती हूँ और मैं पराठा नहीं खाती हूँ और मुझे छोले भटूरे नहीं पसंद नहीं पसंद तो अपनी अपनी चॉइस है क्या होता है उसमें पराठे मतलब मुझे भी कुछ ऐसे नहीं लगते कि यार पराठे कुछ लोगों को बहुत पसंद है लोग कैसे पसंद नहीं करते हो पराठे जैसे तुम और कुछ नहीं पसंद करते हो तुम पराठे नहीं पसंद करते हो वेरी इजी मतलब पता नहीं लोग इतना जज क्यों करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड इसलिए तो पराठे नहीं पसंद है मैगी चलेगा और तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे सैंडविच भी है क्या करें यार फिर तुम बनाओ जो बना रहे हो मैं तो बना ही हूँ चालू ही है वो तो अरे ये यार मैं तो सोचता था आईफोन बहुत तगड़ी चीज़ है कुछ हैंग होता है लोग बोलते हैं हैंग नहीं होता हैंग होता है ये लोडिंग होती रहती है उसमें लाइक ऐप ऐप तो खुल जाएगा बट लोडिंग होगी तो तुम्हारे फोन में बहुत कुछ होगा ना हाँ मेरे उसमें थोड़ा रहता है ड्राफ्ट्स रहते हैं उसमें फोटोज तो मैं नहीं खिंचाती वो तो और ऊपर रहते हैं पहाड़ों में टिहरी में मैं तो यहाँ ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ मैं भी वैसे टिहरी पे रहता हूँ क्या ही सुना कॉलेज इसलिए नहीं जाता बिकॉज थर्ड सेमेस्टर में मैं काफ़ी मतलब जिम भी जाना फिर अपने लिए खाना भी बनाना फिर कॉलेज पहुँचो लेट पहुँचो 5 मिनट भी लेट फिर फैकल्टी अंदर नहीं घुसने दे रही है तो मेरे को फिर इरिटेशन हो जाती थी फिर इस वजह से फिर मैं गया नहीं फिर बात बात में फिर डिबार्ड हो गया उसके बाद सारा वही डाउन हो गया आदत पड़ेगी कॉलेज ना जाने की फिर गाय नहीं फिर यही सब करता हूँ कुछ नहीं मिलता कॉलेज जाके पहले मुझे बहुत लगता था ऐसे कि अरे कॉलेज ये वो सब कुछ नहीं है कॉलेज वेस्ट ऑफ टाइम है डिग्री कहीं से नहीं मिल रही यार आजकल तो लोग ऐसे खरीद रहे हैं डिग्री खरीदनी हुई वो भी एक हिसाब से मुझे तो ऐसे ही लगता है डिग्री कोई काम नहीं आती है मतलब ऐसा है कि बट हाँ इतना नॉलेज होना चाहिए बेसिक नॉलेज या नॉलेज तो है स्क्वायर कितना होता है पता होना चाहिए इट्स 144 बाय द वे मैथमेटिक्स में तो मैं बहुत बेकार हूँ बहुत ज़्यादा ये फोर्थ फिफ्थ क्लास में सिखाया जाता है कम ऑन नहीं तो मैं मुझे तो लगता है मैं फोर्थ फिफ्थ की भी नहीं आती मुझे तो सिखाओगे अपने बच्चों को बच्चे खुद ही सीखेंगे जो भी सीखेंगे हाँ तो कैसे करना है काम का कैसे करना है भाई काम का पता है तुम लोगों को क्यों आ रखा हूँ मैं यहाँ मैं आ रखा हूँ बिकॉज इनको एक फ़ोटो शूट कराना है तो मैं जैसे वीडियो में लग रहा था वैसे ही हाँ। थोड़ा थोड़ा नहीं बाद में बोलूँगी इस पर नहीं बोलूँगी क्यों नहीं बोलूँगी मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है वैसे मतलब क्या कहते हैं कई बार मतलब वीडियो में तो लगता ही है यार थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है ना अभी भी थोड़ा गोल्डन आवर होता है तो वैसे ही लाइट आती है जो रील देखी हुई फोन का कमाल होता है वीडियो में और कुछ पर उससे भी ज़्यादा मैटर करते हैं कि एक इंसान से मिला तो वो इन पर्सन कैसा है एक इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत बदतमीज है बट आप कभी उनके साथ बात नहीं करना चाहोगे आई डोंट नो अबाउट मैं अपने नहीं मैं ऐसे बदतमीजी वाला सीन तो नहीं है बट
थोड़ा बोले ना मुंहफट टाइप का रहता है वो, तो कम्प्लीटली अलग चीज हो गया। क्या मुंहफट होना और बदतमीजी करना दोनों बहुत फर्क है। आप अपना पॉइंट रखना जानते हो, बट एक तरीका होता है पॉइंट रखने का, और जो लोग बदतमीज होते हैं वो बदतमीज होते हैं। कैसे समझाओ यार, हिंदी भी तो एक वो है ना। मतलब गढ़वाली लोग तो ज़्यादा ऐसे रहते नहीं, अच्छे रहते हैं, मतलब पहाड़ी लोग शायद एक्सपीरियंस अपना अपना अलग अलग है। नहीं मैं तो जानती नहीं हूँ किसी की पहाड़ी, उसको तो जानते हैं जो फ्रेंड है। वो पहाड़ी थोड़ी है, वो राजपूत। नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है, पुंडीर तो गढ़वाली होते हैं। नहीं वो लोग राजपूत है, वो लोग राजस्थान से बेसिकली। अच्छा राजस्थान के होंगे। अच्छा तो बिकॉज सीन ही है ना, जो हम गढ़वाली हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे जितने भी हैं वो राजस्थान से ही आए थे, तो जितने भी पहाड़ों। तुम इंडियन हो, बात खत्म। मुझे नहीं जानना है ऐसे। अच्छा नहीं मुझे नहीं समझ आता है। नहीं समझ आता है मतलब कैसे समझाऊं, मैं ऐसे मिले नहीं हूँ मतलब, जैसे क्या है गढ़वाली, मैं मिली नहीं हूँ ऐसे लोगों से कभी। आई डोंट नो वो लोग कैसे होते हैं क्यों होते हैं।